ये देखिए आप, मिर्ची यहाँ पर हमारी कितनी बढ़िया बनी है और मसाला मिर्च के ऊपर अच्छे से कोट हो गया है, आप यहाँ देख सकते हैं, और देखने में बहुत ही बढ़िया लग रही है। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना हम शुरू करते हैं। सब्जी तो यहाँ पर मेरी बनके तैयार हो गई है और मैंने ये जो मिर्ची सब्जी बनाई है, इसकी खुशबू की वजह से खाने की बात शालिनीज किचन के साथ। हेलो दोस्तों, मैं हूँ शालिनी, स्वागत है आपका शालिनीज किचन में। अगर आप तीखा खाना पसंद करते हैं तो ये जो रेसिपी है आपके लिए है। तो दोस्तों, आज मैं बनाने जा रही हूँ मसालेदार तीखी चटपटी मिर्च की सब्जी, जो कि बनाना आसान होता है और ये जो सब्जी है खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होती है। अगर आपका कुछ चटपटा खाने का मन है तो आप इस सब्जी को बनाकर झटपट खा सकते हैं। इसको आप रोटी के साथ, पराठे के साथ, पूरी के साथ खा सकते हैं। बहुत ही कम मसालों के साथ ये जो सब्जी है बनाई जाती है। तो चलिए फटाफट हम देख लेते हैं कि इसको बनाने के लिए हमें किन किन मसालों की ज़रूरत होती है। मैंने लिए यहाँ पर 250 ग्राम बड़े साइज़ की हरी वाली मिर्च। मिर्च को यहाँ पर हम धो के और काट लेंगे। तो पहले हम हरी मिर्च के जो डंठल हैं इनको निकाल के काट लेते हैं। मिर्च के डंठल को मैंने चाकू की सहायता से निकाल कर फेंक दिया है और मिर्च को मैंने इस तरीके से काट लिया है। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो नीचे का हिस्सा है ये जुड़ा रहे और ऊपर से इसके ये चार पीस हो जाएं। इसको हमें इस तरीके से काटना है। तो चलिए सब्जी बनाने के लिए मैंने क्या क्या मसाले डाले हैं एक एक करके देख लेते हैं। 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 2 चुटकी हींग, 1 चम्मच अमचूर पाउडर, 1/2 चम्मच नमक, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, 2 चम्मच तेल। सबसे पहले हमें कढ़ाई में 2 चम्मच तेल डालकर तेल को गरम करना है। तेल यहाँ पर हमारा हो गया है गरम, तो तेल में डालेंगे हम हींग, 1 चम्मच जीरा और दोनों को हम अच्छे से भून लेंगे। हींग जीरा यहाँ पर हमारा भून गया है, तो गैस को करेंगे हम मीडियम और डालेंगे इसमें हम हरी मिर्च और डालेंगे हम 1/2 चम्मच नमक, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, हल्दी पाउडर और सबको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हमें यहाँ पर मिर्च को पकाना है, तो गैस को हम लो करेंगे और कढ़ाई को करेंगे हम कवर। कढ़ाई को कवर करके गैस का फ्लेम लो करके मिर्च को हम पकने के लिए छोड़ देंगे। मिर्च को पकाने के लिए हमें यहाँ पर कढ़ाई को कवर करना है और गैस का फ्लेम लो करना है। लो फ्लेम पे मिर्च को हमें 10 मिनट तक पकने के लिए छोड़ना है। मिर्च को पकते पकते लगभग 2 मिनट हो गए हैं, तो मिर्च को हम एक बार चेक कर लेते हैं। और आप एक बात का ध्यान रखें कि बीच बीच में आप मिर्च को चलाते जरूर रहें, अगर आप चलाएंगे नहीं तो मिर्च कढ़ाई में जल जाएगी। तो इसको आप 1 से 2 बार बीच में चलाकर चेक कर लें। मिर्च को यहाँ पर पकते पकते लगभग 10 मिनट हो गए हैं और मिर्च को हम चेक कर लेते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि मिर्च ये एकदम सॉफ्ट हो गई है और बस हमें इसको इतना ही पकाना है, इससे ज़्यादा नहीं पकाना है, क्योंकि ये जो मिर्च है वो हल्की सॉफ्ट और हल्की कच्ची अच्छी लगती है। तो अब हम इसमें डालेंगे अमचूर पाउडर, आप चाहे तो इसमें नींबू का रस भी डाल सकते हैं। 1 चम्मच हम अमचूर पाउडर डालेंगे और डालकर अच्छे से मिला देंगे। ये हो गई है हमारी चटपटी मज़ेदार खट्टी मिर्च मसाला तैयार। तो गैस को हम कर देंगे बंद और मिर्च को आप खाना के साथ खा सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हो गई है हमारी चटपटी मज़ेदार मिर्च मसाला बनके तैयार। मेरे मुंह में पानी आ रहा है क्योंकि ये बहुत ही टेस्टी बनी है और खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। तो मसालेदार मिर्च की सब्जी यहाँ पर हमारी हो गई है बनके तैयार। इसको हम एक बाउल में निकाल के रखेंगे। इस सब्जी को आप लगभग 1 हफ्ते तक रेफ्रिजरेटर में स्टोर करके रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सब्जी में पानी बिल्कुल ऐड नहीं हुआ है, तो ये सब्जी ख़राब नहीं होगी। इसको आप रेफ्रिजरेटर में 1 हफ्ते के लिए रख दें और जब भी आपका मन करे आप निकाल कर इसको खाइए। तो इसको आप खाने के साथ इंजॉय कीजिए, या फिर आपके पास कोई सब्जी ना हो तो इस मिर्च का यूज़ करके आप रोटी या पराठे पूरी खा सकते हैं। तो अगर आपको मेरे ये मिर्च मसाला की रेसिपी अच्छी लगे तो रेसिपी को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय। सब्जी तो यहाँ पर मेरी बनके तैयार हो गई है और मैंने ये जो मिर्च की सब्जी बनाई है, इसकी खुशबू की वजह से पूरे घर में मिर्च ही मिर्च की
जैसे लग रहा है, तो मैं जा रही हूँ फटाफट दरवाजे और खिड़कियाँ खोलने के लिए, क्योंकि लग रहा है खांसी आ रही है, छींक भी आ रही है। क्योंकि जब भी मैं रिकॉर्डिंग करती हूँ तो घर के दरवाजे और खिड़कियाँ बंद करके रखती हूँ कि बाहर की आवाज़ अंदर ना आए। तो फटाफट मैं जाके दरवाजे और खिड़कियाँ खोल देती हूँ, नहीं तो मुझे खांसी आने वाली है और शायद छींक भी आ जाए। तो फटाफट मैं खोल देती हूँ।